कंट्रोल करता है ना, वो एक डिवाइस है जो रेजिस्टिविटी फैलाता है, मतलब करंट को कंट्रोल करता है, राइट। ओके, तो रेजिस्टर क्या है? तो अ रेजिस्टर इज अ लेजर
अभी डेरिवेशन देखो, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज पूछेंगे ना, 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछते हैं। डेरिवेशन देखो, इट्स क्वाइट इजी। देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओके ओम्स का लॉ क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर, राइट? यस और नो? Thank you.
Okay.
भी कैसे आएगा, पैरेलल में आएगा, राइट और प्लस माइनस, ठीक है। चलो अभी इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम का लॉ क्या है, ओम्स लॉ बी इज इक्वल टू आई आर, राइट। अभी सी, अभी क्या है यहाँ पे वोल्टेज एक ही है ना, ठीक है, राइट, यस और नो, वो वायर से जॉइंट है, तो आई वन आई टू इसमें सीरीज में क्या था, सीरीज में तो ऐसे ही था, तो एक ही करंट बहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो हमें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यही तो बेनिफिट है इसका, अभी तो सेम होगी बट यू वांट टू चेंज इट, आपको रेजिस्टेंस का पावर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, वही तो इसका बेनिफिट है, हम पैरेलल इसीलिए तो लगा सकते हैं ना सब जगह, क्योंकि इसमें क्या है करंट कांस्टेंट है, इसमें आप करंट जैसे कि एसी एयर कंडीशन को करंट ज्यादा चाहिए, ठीक है, फैन है उसको नॉर्मल चाहिए, ठीक है, बट अगर आपने पैरेलल में किया है तभी एसी वाले डिवाइस में आप ज्यादा करंट भेजोगे, इसमें कम, अगर ऐसा है तो सब में आपको सेम ही करंट भेजना पड़ेगा, तो घर और सब जगह पे ये वाला सीरीज वाला बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, कौन सा वाला बेनिफिशियल है, समझ में आ रहा है आपको, ओके चलो बी इज इक्वल टू आई आर, राइट। नाउ अभी देखो बी तो कांस्टेंट है, ठीक है, रेजिस्टेंस का करंट आई है, ठीक है, तो बी इज इक्वल, और हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, रेजिस्टर, यस और नो, है ना, हाँ, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R कर दो, राइट, क्योंकि करंट, टोटल करंट हम लोग ढूंढेंगे यहाँ पे, ओके, I इज इक्वल टू V अपॉन R देख सकते हैं, ओके, तो I वन इज इक्वल टू
ये बी भी कैंसल, तो पैरेलल के लिए इक्वेशन क्या बना, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। ठीक है, आपको ऐसे सम आते हैं, सम कैसे आते हैं कि जी रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में जॉइंट है, ठीक है, जी रेजिस्टर पैरेलल में जॉइंट है तो आप उसका टोटल रेजिस्टेंस ढूंढ दो। तो आप पैरेलल में जॉइंट है तो कौन सी फॉर्मूला लगाओगे, r = r1 + r2 + r3, ये फिर 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, कौन सी लगाओगे, पैरेलल में जॉइंट है, कौन सी वाली लगाओगे, ओके समझ में आया। अगर आपको ऐसा बोले कि थ्री रेजिस्टर सीरीज में है तो आप कौन सी वाली लगाओगे, सीरीज वाली, r = टोटल, बस दैट्स इट, आपको तो एडिशन ही करना है। ओके समझ में आया।